आप लोग सोच रहे होंगे कि इस समय हम कहाँ खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या हम हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँच चुके हैं? जी नहीं, ये नज़ारा है राजधानी दिल्ली का, और राजधानी दिल्ली में भी ये जगह है, बहुत VIP ITO इलाका है ये, और यहाँ पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने इतना पानी है कि जो बस स्टैंड है वो पूरा पानी में डूब चुका है, सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं और लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बाढ़ आई और बाढ़ के बाद जो पानी है वो दिल्ली के अंदर भीतर तक घुस चुका है, और ये ITO का इलाका है, बहुत पॉश इलाका और लुटियन जोन से सटा हुआ इलाका है, और यहाँ पर जो स्थिति है वो भयावह होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए लोग जो हैं वो जद्दोजहद में लगे हुए हैं किसी तरीके से अपने काम पर पहुँच सकें, और लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ लोग जो हैं वो जो अपने जूते हैं हाथों में लेकर चल रहे हैं, आप यानी अंदाज़ा लगा सकते हैं जिन जूतों को पैरों में पहना जाता है उनको वो हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं किसी तरीके से वो ये पानी पार करें। ये देखिए लोगों की जो गाड़ी है इतना पानी हो चुका है कि वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, और उसको खींचते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ से किसी तरीके से आगे निकला जा सके। और जिस तरीके से पानी यहाँ पर भरा हुआ है उस वजह से यातायात भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। राजधानी दिल्ली में लंबे घंटों के जाम जो हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर एक सवाल प्रशासन पे भी खड़ा उठता है, और वो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बारिश एकाएक आई है या ये पानी एकाएक आया है। पहाड़ों पे जिस तरीके से बारिश हुई तो लाजमी सी बात है पहाड़ों का पानी मैदानी इलाकों तक आना था। हालांकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ये कह रही है कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से ये पानी छोड़ा गया है, लेकिन तैयारी क्यों नहीं की गई ये बड़ा सवाल खड़ा उठता है, क्योंकि अब दिल्ली में जो MCD में है वो भी केजरीवाल की सरकार है, और दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार पहले से ही थी, तो इसलिए लोग जो हैं वो खासा नाराज़ दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं वो पानी में गोता लगा रहे हैं, और उनको रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। हालांकि बच्चे हैं वो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर चोट भी आ सकती है खेलते हुए, और यहाँ पर NDRF की तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी नहीं है कि उनको रोक सके, क्योंकि बिल्कुल मेन सड़क पर मेन रोड पर वो गोते लगा रहे हैं। और ये जो पानी है ये यमुना का पानी उसके साथ मिल चुका है, जो कि दिल्ली का सीवर है और दिल्ली के जो नालियां हैं उसके साथ ये बैक होके वापस आ रहा है, तो इस पानी में गंदी बदबू भी आ रही है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन के ऊपर और दिल्ली सरकार के ऊपर बड़े खड़े उठते हैं, और ऐसा नहीं है दिल्ली सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि 15 जुलाई से राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली सरकार के सामने बहुत बड़े पहाड़ों का सवाल खड़ा उठेगा, और उसके बाद दिल्ली सरकार के सामने स्थिति हो जाएगी कि एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं, और ऐसी स्थिति से दिल्ली सरकार कैसे दिल्ली की जनता को निजात दिलाएगी यह देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।